हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सांस फूलने के इलाज के बारे में आसान शब्दों में समझेंगे, यानी कि आज हम लोग अस्थमा को समझने वाले हैं, जिसे हिंदी में दमा भी कहते हैं। आज जानेंगे कि अस्थमा रोग होने के क्या कारण होते हैं, आखिर क्यों लोगों को सांस फूलने जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आप अस्थमा जैसी बीमारी को आप आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप एक बार पूरा जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप को अस्थमा से जुड़ी, दमा से जुड़ी, सांस फूलने से जुड़ी हर डाउट आपकी दूर हो जाएगी। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो पहले समझते हैं कि अस्थमा यानी कि दमा होता क्या है। तो दमा एक ऐसी स्थिति है जिसमें किसी व्यक्ति के यह जो वायु मार्ग है वह पतला हो जाता है या वहां पर सूजन आ जाता है। इस तरह से आपको नैरो देखने को मिलती है, जिसके कारण अस्थमा में सांस लेने में परेशानी होती है और साथ में घुटन महसूस होती है। क्यों होती है? जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक होता है वह इस तरह से नैरो हो जाती है, जिसके कारण ठीक से सांस ना ले पाने के वजह से हमें बार बार जोर जोर से सांसें लेने की जरूरत पड़ती है। और इसमें दोस्तों बार बार तेज खांसी होती है ताकि लंग्स में जमा कफ निकल जाए। आप इस इमेज को भी देखकर समझ सकते हैं कि जब हमारा ब्रोंकियल ट्यूब इन्फेक्टेड हो जाता है तब वो कैसा दिखता है। यह नॉर्मल में ऐसा होता है और अस्थमा होने पर कुछ इस तरह से नैरो हो जाती है, जिसके कारण अस्थमा वाले पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है और सांस फूलने लगती है। उम्मीद है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अस्थमा में आखिर होता क्या है। अब जानते हैं दोस्तों कि दमा आखिर किन कारणों की वजह से होता है। तो वो कारण है एलर्जी, इन्वायरमेंट पोल्यूशन, यानी कि दोस्तों हमारे आसपास धूल मिट्टी के कारण जो प्रदूषण होते हैं इनके कारण भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, दमा जैसी प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि दोस्तों जो हमारी श्वास नली होती है उनमें संक्रमण हो जाने के कारण यह प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रोंकाई के आसपास के मसल में दोस्तों स्पाज्म यानी कि मरोड़ या ऐठन हो जाने के कारण हमें दमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्रैक नैरो हो जाती है, जिसके कारण गहरी सांस लेने में डिफिकल्टी महसूस होती है। ब्रोंकियल ट्यूब में मुकस का जमा होने से यह प्रॉब्लम हो जाती है। ब्रोंकियल ट्यूब के अंदर दोस्तों मुकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन होना, इन सभी कारणों के वजह से दोस्तों दमा हो जाती है। दोस्तों मैं आसान शब्दों में आपको क्लियर करता हुआ चल रहा हूं। अगर कुछ भी डाउट रहे तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा और साथ ही साथ सबका स्क्रीनशॉट आप जरूर लेते हुए चलिएगा। अस्थमा के कारणों को जानने के बाद दोस्तों अब जरा यह समझ लेते हैं कि जिन व्यक्ति को दमा हो गया है तब उसमें हमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी देखने को मिलती है, खासकर रात में। ब्रीथिंग के दौरान आपको व्हीजिंग साउंड सुनाई देती है। जैसा कि आप इस साउंड को सुन रहे हैं, ब्रीथलेसनेस यानी कि सांस फूलना, नाइट के समय शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होना, कफ यानी कि खांसी, ये सब आपको साइन एंड सिम्टम दिखाई देते हैं एक अस्थमा वाले पेशेंट में। और हाँ दोस्तों, अस्थमा वाले पेशेंट के लिए कुछ प्रिकॉशन हमें अपनाने होते हैं ताकि दमा वाले व्यक्ति को आराम मिले। जैसे फैमिली में शांत वातावरण बनाए, क्योंकि अस्थमा में स्ट्रेस या इमोशनल टेंशन मेन रोल होता है। शांत रहने का प्रयास करे और खुली हवा वाले स्थान में रहे। ज्यादा से ज्यादा फ्लूड इनटेक करें, क्योंकि इससे लंग्स का मुकस लूज होता है। अस्थेलिन के साथ नेबुलाइज करें, इससे कफ रिलीज होता है। पानी में थोड़ी हनी यानी कि शहद डालकर दिन में कई बार थोड़ा थोड़ा पिए, खासकर जब अस्थमा का अटैक हो। अस्थमा के पेशेंट को रिलैक्स रहना चाहिए, क्योंकि टेंशन के वक्त अस्थमा का अटैक ज्यादा होता है। पेशेंट को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे योगा, स्विमिंग, ऐसे पदार्थों का यूज बंद कर देना चाहिए जिनसे एलर्जी हो। इन सारी बातों का ध्यान रखकर अस्थमा वाले पेशेंट का केयर किया जाए तो उनमें काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इन सभी का स्क्रीनशॉट लेते हुए जरूर चले दोस्तों। इसके बाद आप जानते हैं उन दवाओं के बारे में जो अस्थमा के उपयोग में ली जाती है। तो
अस्थमा के ट्रीटमेंट में दोस्तों अस्थेलिन इनहेलर आती है, जो कि आपको इस तरह की मिलती है। इसमें पाया जाने वाला जो कॉम्पोजिशन है वो है सल्बुटामोल, और इस सल्बुटामोल का काम यह होता है कि यह आपके फेफड़ों में वायु मार्ग की मांसपेशियों को आराम देने का काम करता है। यह आपके वायु मार्ग को चौड़ा कर देती है ताकि आपको सांस लेने में आसानी हो। इस नैरो हुई वायु मार्ग को वापस इस तरह से नॉर्मल करने में हेल्प करता है, और यह खासकर एक्यूट अस्थमा में यूज किया जाता है। इसको दोस्तों 1 से 4 पुफ दिन में 4 बार इस्तेमाल करना होता है। या ब्रिंकिनाइल टर्बोहेलर होती है, जिसकी साल्ट की बात करें तो इसमें आपको टर्बुटालाइन मिलता है, और इस टर्बुटालाइन का काम यह होता है कि यह हमारे फेफड़ों तक पहुंचने वाले वायु मार्ग को आराम पहुंचाकर उन्हें खोलकर सांस लेना आसान बनाता है। यानी कि इसका यूज हम लोग ब्रोंको अस्पाजम में करते हैं, अस्थमा में करते हैं, ब्रोंकाइटिस में करते हैं, और साथ में लंग्स की दूसरी बीमारी में इसका यूज किया जाता है, और इसको 1 से 2 पुफ सुबह शाम लेना होता है। और हाँ दोस्तों, अस्थेलिन के नाम से टैबलेट भी आती है 4 mg की, जिसका कॉम्पोजिशन सल्बुटामोल होता है। इस टैबलेट को आप सुबह शाम खा सकते हैं, या फिर इसके जगह पर आप डेरीफाइलिन 150 mg की टैबलेट भी सुबह शाम ले सकते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन थियोफाइलिन एंड इटोफाइलिन होता है। और यह दोनों ही कॉम्पोजिशन अस्थमा को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। सांस फूलने लगे उस कंडीशन में इस डेरी फाइलिंग टैबलेट का यूज किया जाता है, यह आप याद रखिएगा। या फिर आप दोस्तों ब्रिटेलाइन टैबलेट भी यूज कर सकते हैं, जिसका कॉम्पोजिशन टर्बुटालाइन सल्फेट होता है। और इस टर्बुटालाइन को किस कंडीशन में यूज करते हैं यह मैं आपको पहले ही बता दिया है। इस टैबलेट को आप सुबह शाम ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिएगा कि टैबलेट में एस्थेलिन 4 mg एंड डेरी फाइलिंग टैबलेट की जगह सिरप दी जा सकती है, जिन्हें सुबह दोपहर शाम दी जानी चाहिए, तथा रिलीफ हो जाने पर, आराम हो जाने पर SOS यानी कि जब पेशेंट को आवश्यकता हो तब दिया जाए। लेकिन हाँ दोस्तों, जितने भी दवा बताए गए इनसे आराम ना हो तो एस्थेलिन या डोलिन के साथ नेबुलाइजेशन किया जाना चाहिए। और डेरी फाइलिंग 2 ml इंजेक्शन मांसपेशी यानी कि इंट्रामस्कुलर में या फिर सीरा मार्ग से लगाया जा सकता है। लेकिन अगर इससे भी रिलीफ ना मिले तो एमिनोफाइलिन 10 ml की इंजेक्शन को डेक्स्ट्रोज 100 ml में मिलाकर सीरा मार्ग से स्लो देनी चाहिए, तथा साथ में कोर्ट एस इंजेक्शन की 2 खुराक तुरंत सीरा मार्ग से अस्टेट दी जानी चाहिए, तथा फिर सुबह शाम दी जानी चाहिए। टैबलेट हाइसोन 10 सुबह शाम ओरल दी जानी चाहिए। अगर दोस्तों इन सभी से भी रिलीफ नहीं मिलता तो प्रीवेंटिंग ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए। मोंटेक्स टैबलेट, जिसका कॉम्पोजिशन मोंटे लुकास्ट होता है, रोजाना 1 गोली 10 दिनों तक दिया जाना चाहिए, तथा डाकोट 6 टैबलेट रोजाना 1 गोली 10 दिनों तक दी जानी चाहिए, तथा साथ में एस्टेरॉइड इनहेलर का यूज किया जा सकता है, जैसे बैकलेट इनहेलर 100 mcg, जिसका कॉम्पोजिशन बैक्लोमिथासोन होता है, या इनहेलर बुडेट, जिसका कॉम्पोजिशन बुडेसोनाइड होता है। इसका 1 से 2 पुफ सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल किया जा सकता है। और हाँ दोस्तों, आपको यह बात हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है कि एस्प्रिन अस्थमा के पेशेंट को कभी भी नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अक्सर एस्प्रिन से अस्थमेटिक पेशेंट को एलर्जी ज्यादा होती है। इसलिए इस बात का आप जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। ये थी दोस्तों अस्थमा से जुड़ी वो बातें जो आपको मालूम होनी चाहिए। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए यूजफुल हो। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।